बरसों पहले की बात है, हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में आकर एक गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका था और उससे धुआं निकल रहा था। गाड़ी में सवार लोग बाहर निकलकर पानी की तलाश करने लगे। पास में ही कुछ बौद्ध भिक्षुओं के घर थे। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो बौद्ध भिक्षु बाहर आए। उन्होंने भिक्षुओं से पानी मांगा और गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन में पानी डालने लगे। इतने में ही एक दूसरा बौद्ध भिक्षु खूब सारी हरी घास लेकर आ गया और गाड़ी के आगे डालने लगा। ये नजारा देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। उन्हें समझते देर ना लगी कि इस भोले भाले बौद्ध भिक्षु ने गाड़ी को जानवर समझ लिया है। उसे लगा कि अगर ये पानी पी रही है तो घास भी खाएगी, इसीलिए उसने गाड़ी के आगे घास डाल दी। भूटान के खूबसूरत पहाड़ों में रहने वाले भोले भाले भूटनीज लोगों का ये किस्सा अक्सर सुनाया जाता है। ये कहानी आपको सुनने में मजाकिया जरूर लग सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि रेडियो और टेलीविजन तो बहुत दूर की बात है। 1960 के दशक तक भूटान में सड़कें और गाड़ियां तक नहीं थी। ऐसे में लाजिम है कि यहाँ के लोगों ने कभी गाड़ी देखी ही ना हो। साल 1970 तक ये देश दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था, लेकिन भारत से नहीं, क्योंकि भारत के 6 राज्यों से भूटान की सीमा लगती थी। इसीलिए भारत के लोग उतनी ही आसानी से भूटान आ जा सकते थे जितनी आसानी से वो भारत के किसी दूसरे गांव या शहर में आ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सीमाओं पर ना गेट थे ना आर्मी। आज यही लोग सीधे साधे भूटनीज लोगों से जुड़े ऐसे हजारों किस्से सुनाते हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका सारडा और आज बात करेंगे भूटान की दिलचस्प कहानी के बारे में। संस्कृत भाषा में तिब्बत को भोटा कहते थे। जहां भोटा की जमीन का अंत होता है उस इलाके को भोटांत कहा जाता है। जहां तिब्बत का अंत होता है वहीं भूटान शुरू होता है, इसीलिए भूटान को पुराने समय में भोटांत कहा जाता था, जो बाद में भूटान हो गया। कहते हैं कि सदियों पहले हिमालय के इन पहाड़ों में भूटान जैसे कई छोटे छोटे और बेहद खूबसूरत देश बसे थे। भूटान की कहानी शुरू होती है करीब 1000 साल पहले। तब भूटान कोई साम्राज्य नहीं था, बल्कि यहाँ की पहाड़ियों में अलग अलग कबीलों के लोग रहा करते थे। 747 ईस्वी में बौद्ध धर्म के महान तांत्रिक गुरु पद्म संभव भूटान पहुंचे, जिन्हें भूटान के लोग गुरु रिम्पोचे के नाम से जानते हैं। भूटनीज बताते हैं कि गुरु रिम्पोचे बाघ की पीठ पर सवार होकर उड़ते हुए भूटान पहुंचे थे और यहां आकर उन्होंने एक मोनेस्ट्री या कहें कि भगवान बुद्ध का एक मंदिर बनाया। कहते हैं कि जब उन्होंने मंदिर बनाने का ये काम पूरा किया तो अचानक एक आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। ये आवाज बिजली की तरह गरजने वाले थंडर ड्रैगन जैसी थी। इसे सुनकर गुरु रिम्पोचे को ये लगा कि भगवान खुद उन्हें इस काम के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद से ही भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाने लगा। थंडर ड्रैगन तिब्बत की माइथोलॉजी का एक किरदार है और भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। भूटान के लोग मानते हैं कि थंडर ड्रैगन की ये आवाज एक तरह से भूटान की रक्षा की भविष्यवाणी थी। तभी तो एक तरफ जहां चीन और भारत जैसी महाशक्तियों के बीच बसे बाकी सारे देश खत्म हो गए, वहीं भूटान की स्वतंत्रता अब भी बरकरार है। भूटान के नेशनल लैंग्वेज जोंखा में भूटान देश का नाम भी ड्रैग्यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। भूटान के गेट से लेकर झंडे और करेंसी तक आपको हर जगह थंडर ड्रैगन देखने को मिल जाएंगे। वहीं इनकी मोनेस्ट्री यानी कि मंदिर में भगवान बुद्ध के अलावा गुरु रिम्पोचे की प्रतिमाएं भी आपको जरूर मिलेगी। कहते हैं कि गुरु रिम्पोचे ने भूटान आकर एक शैतान को हराया और एक कबीले के बीमार राजा को ठीक किया। उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग उनके अनुयायी बन गए और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। क्योंकि गुरु रिम्पोचे ने ही भूटान में महायान बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, इसीलिए लोगों ने उन्हें भगवान बुद्ध के बराबर का दर्जा दिया। गुरु रिम्पोचे को भूटान का दूसरा बुद्ध माना जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि भूटान की पहाड़ियों में बसे कुछ कबीलों के लोग नरभक्षी भी हुआ करते थे। गुरु रिम्पोचे ने उन्हें समझाया कि नरभक्षी होना गलत है और इसके रिप्लेसमेंट में उन्होंने लोगों को पान खाने की सलाह दी। ये पान चूने और सुपारी से बना साधारण पान ही था, लेकिन गुरु के कहे मुताबिक इन लोगों ने पान के पत्ते को स्किन
चूने को हड्डी और अंदर की सुपारी को मांस की तरह माना और एक साधारण पान के सहारे ही अपनी बुरी लत को छोड़ दिया। इसके अंदर की कच्ची सुपारी को लोग दुमा कहते हैं और इस पान को दुमा पान। लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष, महिलाएं यहां सब दुमा खाते हैं और एक दूसरे को दुमा ऑफर भी करते हैं। लेकिन हम और आप इस पान को पचा नहीं सकते, क्योंकि एक तो इसमें गुलकंद नहीं होता और दूसरा इसके अंदर की सुपारी काफ़ी गर्म होती है। खैर, गुरु रिम्पोचे ने भूटान में बहुत कुछ बदला। उनके जाने के करीब 800 सालों बाद तक भूटान में शांति रही। इन वर्षों में यहाँ पर बौद्ध धर्म पूरी तरह पैर पसार चुका था। हालांकि तब तक भूटान एक संगठित देश नहीं था। यहाँ अलग अलग छोटे छोटे कबीले थे और उनके सरदार थे। कोई एक राजा या साम्राज्य जैसा कुछ नहीं था। तो फिर सवाल ये आता है कि भूटान देश कैसे बना? इसे जानने के लिए हमें 17वीं सदी में चलना होगा। तब भूटान के पड़ोसी देश तिब्बत में जबरदस्त सियासी उठापटक चल रही थी, इसलिए कुछ बौद्ध लामा तिब्बत छोड़कर निकल गए। इन्हीं में से एक थे नवांग नामग्याल। कहते हैं कि नवांग नामग्याल जब तिब्बत को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने आसमान में रेवन पक्षियों को उड़ते हुए देखा। रेवन काले रंग का एक पक्षी होता है जो दिखता तो कौवे जैसा है लेकिन उससे कुछ बड़ा होता है। इन्हें बौद्ध देवता महाकाल का प्रतीक माना जाता है। इन पक्षियों का दिखाई देना एक शुभ संकेत था। ये एक खास दिशा में जा रहे थे। नवांग भी इसी दिशा में बढ़ने लगे। ये रास्ता उन्हें भूटान की तरफ ले जा रहा था। वो भूटान पहुंचे और उन्होंने लोगों को प्रवचन देना शुरू कर दिया। भूटान के भोले भाले लोगों ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते भूटनीज ने उन्हें अपने धर्म गुरु का दर्जा दे दिया। लेकिन नवांग नामग्याल के पास भूटान के लिए एक मास्टर प्लान था। वो भूटान को एक किंगडम या यूं कहें कि एक मजबूत साम्राज्य बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कई अलग अलग कबीलों के सरदारों को हराया और बहुत सारी रियासतों को जोड़कर भूटान साम्राज्य बनाया। नवांग नामग्याल अब धर्म गुरु के साथ साथ एक तरह से भूटान के राजा बन गए थे। भूटान के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बौद्ध शैली में पूरे देश में बड़े बड़े किले बनवाए जिन्हें जोंखा भाषा में जोंग कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें डजोंग कहते हैं, लेकिन जोंखा में डी साइलेंट होता है तो जोंग कहा जाता है। बुद्धिस्ट स्टाइल में बने इन किलों यानी कि जोंग को बनाने का असल मकसद था भूटान की सीमाओं को सुरक्षित करना। दरअसल उस दौर में इन किलों से ही भूटान के गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम चलता था। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में राज्यपाल होते हैं, वैसे ही अलग अलग जोंग में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ये अपने अपने इलाके की इकोनॉमी और सेना से जुड़ी व्यवस्था संभालते थे और ये सभी राजा यानी कि नवांग नामग्याल को रिपोर्ट करते थे। इस तरह नवांग नामग्याल का पूरा कंट्रोल देश के हर एक कोने पर था। ये सारे किले बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर बने थे और ये बात जग जाहिर है कि जहाँ ट्रेड यानी कि व्यापार होगा वहाँ टैक्स का पैसा भी मिलेगा। भूटान एक पहाड़ी इलाका है और हर दो पहाड़ों के बीच एक नदी है। यहाँ एक से दूसरी जगह जाने के लिए नदी को पार करना होता था और नदी को पार करने के लिए पुल पर से ही गुजरना होता था। पुल के किनारों पर ही ये किले बनाए गए थे। कोई भी व्यापारी जब यहाँ सामान बेचने या खरीदने आता तो उसे पुल पार करना ही पड़ता था। पुल पार करते ही जोंग होता था जहाँ गवर्नर को टैक्स दिए बिना आप आगे नहीं जा सकते। कुल मिलाकर ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे बचकर निकलना मुश्किल था। व्यापारियों को टैक्स देकर ही आगे बढ़ना होता था। नवांग नामग्याल ने अपना एक मंत्रिमंडल भी बनाया और शागद्रुम की उपाधि धारण की यानी कि खुद को इस टाइटल से नवाजा। भूटान के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम पर शागद्रुम की मजबूत पकड़ के कारण इतिहासकार उन्हें पॉलिटिकल जीनियस मानते हैं। दलाई लामा की तरह शागद्रुम भी एक राजा के साथ साथ एक धर्म गुरु भी थे, इसीलिए भूटान की जनता उन्हें काफी पसंद करती थी। बौद्ध होने के कारण शागद्रुम को ये भरोसा था कि वो बार बार अवतार लेंगे और इस तरह जन्म जन्मांतर तक वो भूटान पर राज करते रहेंगे। कई सालों तक शागद्रुम ने भूटान पर राज किया, लेकिन 1650 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मंत्रियों को ये डर था कि कहीं उनकी मौत की खबर सुनकर जनता बगावत पर ना उतर आए, इसीलिए उन्होंने करीब 50 सालों तक इस खबर को छिपाए रखा। लेकिन 19वीं सदी आते आते भूटान में सिविल वॉर की स्थितियां पैदा होने लगी थी।
इस दौरान शकद्रुम का मंत्रिमंडल लगातार कमजोर होता जा रहा था और अलग अलग इलाकों के गवर्नर ताकतवर होते जा रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा ताकतवर थे वेस्टर्न भूटान में पारो के गवर्नर और ईस्टर्न भूटान में ट्रोंगसा के गवर्नर उगेन वांगचुक। अब वक्त आया 20वीं सदी का। भारत पर राज कर रहे ब्रिटिश लोग भूटान पहुंचे। उन्हें यहाँ कुछ फायदा नजर नहीं आया, इसीलिए उन्होंने भूटान पर कब्जा नहीं किया। लेकिन उस दौर में रूस भी इस पूरे इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए अंग्रेज तिब्बत से संधि करना चाहते थे ताकि उन्हें रूस से कोई खतरा ना हो, और ये संधि करवाई ट्रोंगसा के गवर्नर उगेन वांगचुक ने। उन्होंने ब्रिटिश डेलीगेशन का पूरा साथ दिया। वो खुद उनके साथ कई बार तिब्बत भी गए। साल 1904 में एंग्लो तिब्बत कन्वेंशन हुआ, जिसके बाद तिब्बत और ब्रिटिशर्स में एक रिश्ता बन गया। इसके बाद उगेन वांगचुक ब्रिटिशर्स के पसंदीदा बन गए, और यही कारण था कि अंग्रेजों ने उन्हें भूटान का राजा बना दिया। अंग्रेजों ने भूटान को एक साम्राज्य घोषित किया, लेकिन शर्त यह थी कि भूटान के विदेशी मामलों और सिक्योरिटी को ब्रिटिशर्स ही देखेंगे। साल था 1907। भूटान के बुद्धिस्ट लीडर और सभी धर्म गुरु एक साथ आए और उन्होंने भूटान में एक नए राजवंश की स्थापना की। इस दौरान एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग और नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करके उगेन वांगचुक को अपना राजा स्वीकार किया। भूटान के लोग इतने सीधे और शांति प्रिय थे कि उन्होंने कभी किसी नए बदलाव का विरोध नहीं किया। लेकिन उगेन वांगचुक शकद्रुम की तरह ही एक पॉलिटिकल जीनियस थे। वो जानते थे कि लंबे समय तक राज करना है तो जनता के दिलों में जगह बनानी ही होगी। होता भी यही है, जब कोई बड़ा नेता जनता के बीच जाकर उनके जैसा ही हो जाता है तो जनता उस पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाती है। उगेन वांगचुक ने भी यही किया। राजा बनने के बाद वो अक्सर जनता के बीच जाया करते थे। वो लोगों के साथ चाय पीते, तीरंदाजी करते और दूसरे खेल खेला करते थे। लोग बताते हैं कि वो अक्सर नंगे पांव रहते थे। भूटान के नेशनल डे और त्योहारों के दौरान वो खुद लोगों को चाय पिलाते और उन्हें तोहफे बांटते थे। यही कारण था कि वो लोगों के पसंदीदा बन गए। जनता उन्हें शकद्रुम जैसा ही प्यार दे, इसीलिए उन्होंने शकद्रुम के नक्शे कदम पर चलते हुए राजा और भगवान के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि राजा भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। उन्होंने वैसा ही रेवन क्राउन पहनना शुरू कर दिया जैसा कि शकद्रुम पहना करते थे। ये एक तरह का खास ताज होता है जो रेवन पक्षी जैसा दिखता है। भूटान के राजा आज ये ही ताज पहनते हैं। इस तरह से नामग्याल भूटनीस के लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए और लोग राजा को ही पिता के समान समझने लगे। भूटनीस लोग आज भी अपने घर, दुकान, मंदिर और पूजा घर में राजा और उनके परिवारों की तस्वीरें लगाकर रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने पूर्वजों और भगवान की तस्वीरों को घरों में लगाते हैं। भूटान के ये लोग राजा को भगवान की तरह पूजते हैं। भूटान के हर घर और दुकान में आपको भगवान बुद्ध के मंदिर के साथ ही भूटान के राजाओं की तस्वीरें भी जरूर मिलेगी। उगेन वांगचुक ने अपने 20 साल के कार्यकाल में भूटान को एक किया। इस दौरान उन्हें जनता से भी खूब प्यार मिला। लेकिन अब उन्हें डर था कि कहीं उनके जाने के बाद भूटान में फिर से सियासी उठापटक ना शुरू हो जाए, इसलिए वो अंग्रेजों के पास गए, ये पक्का करने के लिए कि अंग्रेज उनके बाद उनके बेटे को ही राजा बनाएंगे। साल 1926 में उगेन वांगचुक की मौत के बाद ब्रिटिशर्स ने उनके बेटे जिग्मे वांगचुक को भूटान का नया राजा बनाया। जिग्मे वांगचुक के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी भूटान के गवर्नर। यही कारण था कि सबसे पहले उन्होंने अलग अलग गवर्नर को राजा के शासन के अधीन लिया, यानी कि अब भूटान के सारे जोंग राजा के अधीन थे। ऐसा करने से राजा की गद्दी पूरी तरह सुरक्षित हो गई और अब भूटान में शांति थी। नए वांगचुक राजा अपने पिता की तरह ही ये समझते थे कि जनता का साथ शासन करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उन्होंने भूटान के अलग अलग हिस्सों में नए नए राजमहल बनवाने शुरू कर दिए, ताकि वो हर जगह के लोगों से रूबरू होते रहें। उन्होंने पूरे भूटान में कई खूबसूरत महल बनाए,
राजा अलग अलग मौसम में अलग अलग महलों में जाकर रहते थे। लोग बताते हैं कि जब राजा किसी महल में रहने जाते तो उनके साथ सैकड़ों घोड़े और नौकर चाकर भी होते थे। इससे आसपास के गांवों में भी चहल पहल शुरू हो जाती थी। उस दौर को याद करते हुए भूटान के लोग बताते हैं कि जब बच्चे राजा के महल में जाते थे तो राजा उन्हें खिड़की से देखा करते थे। वो छोटे छोटे तोहफे बच्चों की तरफ फेंका करते थे जिन्हें पाकर बच्चे काफी खुश हो जाते थे। इसीलिए लोगों को अक्सर राजा के आने का इंतजार रहता था। साल 1931 में भूटान की ये नई डायनेस्टी सिर्फ 24 साल की हुई थी। नए राजा जिग्मे वांगचुक को राज करते हुए अभी 5 साल ही हुए थे कि अचानक एक और समस्या पैदा हो गई। पूरे भूटान में ये हवा फैल गई कि शाकद्रुम ने नया अवतार ले लिया है। जिग्मे दोर्जी नाम के एक शख्स ने ये दावा किया कि वो शाकद्रुम का नया अवतार है और अब वो फिर से भूटान के राजा बनेंगे। कहा जाता है कि जिग्मे दोर्जी और उनके समर्थकों ने भूटान की गद्दी हासिल करने के लिए महात्मा गांधी से भी मदद की अपील की थी। अब अचानक से शाकद्रुम पैदा हो जाना नए राजा जिग्मे वांगचुक की गद्दी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, जिससे निपटना उनके लिए एक बड़ी चुनौती था। लेकिन साल 1931 में अचानक ये पूरा मामला शांत हो गया और अपने आप को शाकद्रुम बताने वाले जिग्मे दोर्जी पूरी तरह से गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ इस बारे में भूटान के लोग जानते तो हैं, लेकिन कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि राजा तो जनता के लिए पिता तुल्य है, तो अपने पिता की बुराई आखिर वो कैसे कर सकते हैं। खैर, इस चुनौती को खत्म करने के बाद राजा जिग्मे वांगचुक ने अगले 24 सालों तक शांति से राज किया। उनके जाने के बाद भूटान के नए राजा बने उन्हीं के बेटे जिग्मे दोर्जी वांगचुक। यहाँ से भूटान की एक नई कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब भारत आजाद हो चुका था। जब तक अंग्रेजों का भारत पर शासन था, तब तक भूटान के विदेशी मामलों और सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ये जिम्मेदारी मिली भारत को। भारत की आजादी को सबसे पहले मान्यता देने वाला देश भूटान ही था। ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तीन दिशाओं से भूटान की सीमा भारत से लगती है। भारत चाहता तो भूटान को अपना हिस्सा बना सकता था, लेकिन भूटान की ख्वाहिश थी कि वो अलग देश रहे। भारत ने भी भूटान की इस इच्छा का सम्मान किया। तब से ही दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बन गए। लेकिन भूटान के लिए आजाद रहना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि चीन ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि हिमालय की गोद में बसे ये सभी छोटे छोटे देश उसी का हिस्सा है। साल 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और इस तरह से तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया। तिब्बत के चीन में जाने के बाद भूटान ही हिमालय का लास्ट शेंग्रीला था। नए राजा जिग्मे दोर्जी को समझ आ गया था कि अगर उन्हें अपने देश को बचाना है तो भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे। अब दौर शुरू होता है भूटान और भारत की दोस्ती का। भारत ने ये साफ कर दिया कि अगर भूटान पर हमला होता है तो वो भारत पर हमला समझा जाएगा। भारत ने भूटान में कई सारे नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए। भूटान के दुर्गम रास्तों और पहाड़ों में खुद इंडियन आर्मी ने सड़कें और पुल बनाए और ट्रांसमिशन सिस्टम को सेटअप किया, जिसके बाद यहाँ के लोग पहली बार फोन और रेडियो से रूबरू हुए। हालांकि 1999 तक भूटान में टीवी नहीं आया था। भारत ने भूटान की नदियों पर कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, जो आज भी भूटान की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते हैं। भूटान जितनी बिजली बना रहा था उसका सबसे बड़ा खरीदार भी भारत ही था। अब भूटान बदल रहा था। जब यहाँ सड़कें बनी तो व्यापार भी शुरू हो गया। भारत को भूटान से अलग करते हैं नदियां, जंगल और पहाड़। लेकिन उस दौर में इन दोनों देशों के बीच कोई बाउंड्री लाइन थी ही नहीं। लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि भारत कहाँ खत्म हुआ और कहाँ भूटान शुरू हो गया। आज जिन बॉर्डर पर गांव और शहर बसे हैं वो कल तक पूरी तरह जंगल थे। लेकिन जब भूटान में डेवलपमेंट शुरू हुआ तो भूटान के ये इलाके भी गुलजार होने लगे। यहाँ लोगों ने दुकानें बनाई, घर बनाए। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो भूटान में ही बस गए, तो वही कुछ लोगों ने अच्छे बिजनेस के लिए दुकानें भारत में बनाई और सुकून के लिए घर भूटान में बसा लिए। इन्हीं लोगों ने बदलते हुए भूटान को काफी करीब से देखा।
वो बताते हैं कि कैसे भूटान के मंत्री साधारण लोगों की तरह ही यहाँ आते जाते थे। बहुत सारे लोग आज भी भूटान के राजाओं की लिखी पुरानी चिट्ठियाँ दिखाते हैं। इन चिट्ठियों का इस्तेमाल पैसे लेने के लिए किया जाता था। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स को पैसे चाहिए होते थे तो वो भूटान के राजा की चिट्ठी लेकर आता। राजा चिट्ठी में जितनी रकम लिखते, व्यापारी उतनी रकम उस आदमी को दे देता और चिट्ठी अपने पास रख लेता। वैसे तो यहाँ सब कुछ राजा का ही है, फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जिससे पैसा लिया जाता था, राजा उसका हिसाब जरूर चुकाते थे। भूटान के राजा की ये ईमानदारी यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों के दिलों में भी घर कर गई। इसीलिए वो राजा का उतना ही सम्मान करते थे जितना कि भूटनीस किया करते थे। साल था 1966। किंग थर्ड ने नया शहर थिम्पू बसाया, जो आज भूटान की राजधानी है। जनता का दिल जीतने के लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया और अमीरों से जमीन लेकर गरीबों में बांट दी। भारत की मदद से 1971 में भूटान यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना, जिससे दुनिया ने उसे एक अलग और आजाद देश के तौर पर मान्यता दी। इस तरह किंग थर्ड ने भारत के सहारे ना सिर्फ भूटान का डेवलपमेंट किया, बल्कि भूटान को चाइना से भी बचा लिया। उनके 20 साल के कार्यकाल में भूटान ने काफी तरक्की की। इसलिए किंग थर्ड यानी कि राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक को मॉडर्न भूटान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन साल 1972 में सिर्फ 49 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद राजा बने उनके बेटे जिग्मे सिंघे वांगचुक। अपने पिता की मौत के दौरान वो सिर्फ 17 साल के थे और 17 साल की उम्र में ही उन्हें राजा बना दिया गया। ये वो दौर था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। ऐसे में भूटान के नए राजा के सामने चुनौतियां भरपूर थी, लेकिन भूटनीस बताते हैं कि वो समझदारी के मामले में अपने पिता से भी दो कदम आगे थे। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग विदेशी नेताओं को इनवाइट किया। साल 1971 तक भूटान में विदेशी नहीं आ सकते थे, यहाँ की सीमाओं को एक तरह से ताला लगा था, लेकिन किंग फोर ने ये ताला खोल दिया। इसी के साथ ही दुनिया ने भूटान की खूबसूरती को देखा। उस दौर में दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को GDP से मापने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लेकिन जिग्मे सिंघे का मानना था कि क्या फायदा ऐसे डेवलपमेंट का जिससे जनता खुशी ना हो। इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि भूटान की अर्थव्यवस्था को GDP से नहीं बल्कि GNH से मेजर किया जाएगा। GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। जिस GDP में भूटान दुनिया का सबसे गरीब देश था, उसी GNH में भूटान खूब संपन्न था। यहाँ के लोग खुश थे। भूटान के इस कॉन्सेप्ट को दुनिया ने खूब पसंद किया। इससे दुनिया की नजरों में भूटान की छवि बदल गई। GNH कॉन्सेप्ट के मुताबिक देश के 65% हिस्से पर जंगल होने चाहिए थे और करंट रिपोर्ट्स बताती है कि भूटान के 70% हिस्से पर आज भी जंगल है। यहाँ सड़कों पर कोई रेड लाइट नहीं है, क्योंकि लोग ट्रैफिक पुलिस की हर बात मानते हैं और उनके बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं। वो चाहते भी यही है कि ट्रैफिक पुलिस ही उन्हें रास्ता दिखाए। यहाँ की सड़कें भी इस तरह से बनी है कि कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। बेवजह हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना लगता है। यहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है, लेकिन अगर शोर किसी चीज का होता है तो वो होता है बिजली का। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के साथ ही लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पर इतनी तेज बिजली कड़कती है कि घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक फट जाते हैं। इसीलिए बारिश का मौसम होने पर लोग अक्सर TV फ्रिज बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि वो फोन भी चार्ज नहीं लगाते। भूटान की खूबसूरती और यहाँ मिलने वाला पैसा ही एक वजह थी कि बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ लाइसेंस लेकर पूरी तरह शिफ्ट हो गए, बिना इस बात की फिक्र किए कि ये उनका देश नहीं है। लेकिन क्या भूटान उन्हें अपनी सरहद से निकाल सकता था? इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि भूटान के लिए पैसा अपने कल्चर से बढ़कर बिल्कुल नहीं है। साल 1991 में भूटान में नेपालियों की बढ़ती संख्या के कारण भूटनीस को अपनी असली पहचान खोने का डर सताने लगा। किंग जिग्मे सिंघे ने भूटनीस कल्चर को बचाने के लिए कई सारे कायदे कानून बनाए। भूटान के स्कूलों में राजा की तरफ से बच्चों को 10वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त करवाई जाती है। राजा ने इन स्कूलों में भी भूटनीस ड्रेस को पहनना जरूरी कर दिया, ताकि भूटान का यूथ कल्चर से अटैच रहे।
लेकिन इतना सब भी काफी नहीं था, इसीलिए भूटान के राजा ने जनगणना करवाई। सेंसस से पता चला कि भूटान में नेपालियों की तादाद काफी बढ़ गई है, इसीलिए राजा ने यह फैसला लिया कि नेपाली लोगों को अब भूटान छोड़ना होगा। किंग फोर के इस फैसले के कारण भूटान में रहने वाले करीब 15,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्हें रातों रात रिफ्यूजी कैंप में शिफ्ट किया गया। जो लोग इसके लिए नहीं माने उन्हें जबरन निकाला गया। इस दौरान भूटान की आर्मी ने इन लोगों पर जो अत्याचार किए उनकी टीस आज भी इनके दिलों में है। दुनिया को यकीन ही नहीं था कि भूटान जैसा शांति प्रिय देश ऐसा कदम उठा सकता है। ये भूटान के इतिहास पर एक काला धब्बा था। चारों तरफ भूटान की आलोचना शुरू हो गई, लेकिन चुनौतियों से निपटना तो वांगचुक राजाओं के खून में था। किंग फोर का ये फैसला उनके लिए अब एक बड़ी चुनौती बन चुका था। इस पूरे मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला। भूटान के राजा ने अपने देश में खुद लोकतंत्र की स्थापना की। एक तरफ दुनिया के दूसरे देशों में जहां लोग लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे थे, वहीं जिग्मे सिंगे वांगचुक ने खुद अपने देश को लोकतंत्र दिया। इतना ही नहीं, साल 1998 में उन्होंने कैबिनेट को ये ताकत दी कि वो राजा को भी गद्दी से हटा सकती है। साथ ही ये नियम भी बनाया कि 65 साल की उम्र के बाद राजा को गद्दी छोड़नी ही होगी। दुनिया के किसी भी देश में डेमोक्रेसी मिलने के बाद जनता जश्न मनाती है, लेकिन भूटान में तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। भूटनीस के लिए ये एक बुरी खबर थी, वो इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जिग्मे सिंगे खुद जनता के बीच जाकर लोगों को ये समझाने लगे कि लोकतंत्र के मायने क्या है, ये क्यों जरूरी है। उन्होंने लोगों को समझाया कि शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। राजा के इन सुधारों के कारण उनकी खूब वाहवाही हुई और अपने इस मास्टर स्ट्रोक से उन्होंने भूटान की खराब होते हुए इमेज को एक बार फिर सुधार दिया। जहां जनता भोली भाली और राजा समझदार होते हैं, वो राष्ट्र सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और भूटान को इस मामले में बहुत खुश नसीब कहा जा सकता है। किंग फोर ने भूटान को कई सारे सरप्राइज दिए थे, लेकिन अभी एक और सरप्राइज बाकी था। ये सरप्राइज क्या था? कहीं नेपालियों की तरह भूटान भारत के लोगों को भी अपने देश से निकालने वाला तो नहीं था? ये जानने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बरसों बाद भूटान में रहने वाले इंडियंस अब भूटान क्यों छोड़ रहे हैं। साथ ही बताएंगे कहानी चिकन स्नेक की भी। ये भूटान और भारत के बीच वो महत्वपूर्ण इलाका है जिस पर चीन की निगाहें हैं। ये इलाका अगर चीन ने ले लिया तो भारत नॉर्थ ईस्ट के अपने सभी राज्यों को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। इस चिकन स्नेक की वजह से ही भारत और भूटान की दोस्ती के रिश्ते के बीच में अब चाइना भी आ गया है। अगर आप इन सभी किस्सों को सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। बातों बातों में आपने भूटान की हिस्ट्री तो जान ही ली है। भूटान और भारत के बायलेटरल रिलेशनशिप से जुड़े बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने आपको समझा दिए हैं। इस वीडियो के सोर्स लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपसे शेयर किया है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा ये वीडियो एक नएपन के साथ लाने की हमारी कोशिश आपको कैसी लगी। साथ ही ये बताना ना भूले कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं या एडवर्टीजमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर मेल कर दें। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।